दोस्तों यदि आप कुवैत जाते हैं और दोस्तों यदि कुवैत आप किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो एजेंसी या कंसल्टेंसी आपको वीज़ा प्रोवाइड करती है। दोस्तों वो वीज़ा आपको जो दे रही है वो असली है या कोई फेक है या फ्रॉड है, वो वीज़ा को आप कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि वीज़ा कुवैत के वीज़ा को कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। और यदि मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं, चाहे वो गल्फ़ जॉब के रिलेटेड हो या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री के नॉलेज के रिलेटेड हो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, आपका ज़्यादा वक्त नहीं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद आपको करना क्या है, कोई से ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। तो मैं ओपेरा मिनी ब्राउज़र को ओपन किया हूँ। तो आपको सर्च इंजन में आपको टाइप करना है यहाँ पे स्टेट ऑफ कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। आप ध्यान से सुन ले दोस्तों, उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा दोस्तों यहाँ पे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो अब स्टेट ऑफ कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे आपको यहाँ पे सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट ऑफ कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये कुवैत का वीज़ा चेक करने का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब नीचे जाना है आपको। और नीचे जाने के बाद आपको सामने कुछ इस तरह का एक फॉर्म आएगा वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ वीज़ा एप्लीकेशन नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। तो आप दोस्तों सोचेंगे वीज़ा एप्लीकेशन नंबर वीज़ा में होता कहाँ है, तो मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं एरो करके आपको जो मैं शो कर रहा हूँ वही होता है वीज़ा एप्लीकेशन नंबर। सभी का वीज़ा एप्लीकेशन अलग अलग होता है, तो ये मत सोचे दोस्तों कि सबका सेम होगा। तो सबका वीज़ा एप्लीकेशन नंबर अलग अलग होता है और ये होता है वीज़ा एप्लीकेशन नंबर। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन नंबर डालना है। पर दोस्तों मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करके बता देता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से चेक करने के लिए बता रहा हूँ, पहले मैं इसमें गलत वीज़ा नंबर डालता हूँ। तो चलिए हम लोग गलत वीज़ा नंबर डालता हूँ और देखते हैं वहाँ पर क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है। तो हम लोग चलिए कोई सा भी नंबर डाल देते हैं, 10047 और डाल देते हैं हम लोग कैप्चा। तो कैप्चा हमारा है 71344। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर मैंने डाला था और एप्लीकेशन जो स्टेटस बता रहा है वो इनवैलिड नंबर, मतलब ये बिल्कुल फर्जी है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, मतलब ये गलत है, ये वीज़ा बिल्कुल सही नहीं है। अब चलिए जो मेरे पास जो जेन्युइन आया हुआ है कुवैत का वीज़ा है उसका मैं हम लोग टाइप करते हैं। तो हम लोग चलिए टाइप करते हैं 10047 2623 और कैप्चा डाल देते हैं। चलिए हम लोग कैप्चा क्या है, तो कैप्चा 81826 और फिर से हम लोग कर देते हैं सबमिट। अब चलिए देखते हैं हम लोग को सामने क्या इंटरफेस खुलता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रूव्ड, मतलब ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल जेन्युइन है। तो फ्रेंड इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल से या अपने पीसी से आराम से नेट से आप चेक कर सकते हैं अपने कुवैत का वीज़ा, आपको कोई भी एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के कुछ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज़।